गाया करते थे। सुखी तो कोई है ही नहीं, हर एक किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, सुखी तो कोई है ही नहीं। कोई व्यवहारी से, कोई सारी से, कोई घरवारी से। मेरा मतलब है किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। ध्यान दें, कोई दुखी अपमान से, कोई सम्मान से। किसी का अपमान होता है तो इसलिए दुखी है, और किसी का सम्मान होता है तो वो सम्मान से ही दुखी है। कभी कहता है कोई दुखी अपमान से, कोई सम्मान से, कोई दुखी संतान को, कोई संतान से। लेकिन सब दुख सहन होते बड़ा दुख शरीर का, भोगता है प्राणी फल अपनी तकदीर का। देखिए, कोई किसी बात से दुखी है, कोई किसी बात से दुखी है, कोई अपमान से दुखी है, कोई सम्मान से दुखी है, कोई संतान को दुखी है, कोई संतान से दुखी है। यानी किसी के पास एक भी बालक नहीं है वो इसलिए दुखी है, और किसी के पास भगवान की दया से लाइन लगी है वो उनसे ही दुखी है। दुखी सब है। महाराज हरिश्चंद्र बड़े दुखी हुए जो इनके घर में जब संतान नहीं हुई है। एक दिन रानी तारा ने अपनी